जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म की बातें पर। आज मैं भगवान श्री राम की वंदना के लिए, उनकी स्तुति के लिए एक बार फिर से श्री रामचरितमानस की चौपाई आपके सामने लाया हूं। आप इस चौपाई को सुनिए और इस चौपाई के भावों के साथ भक्ति का आनंद लीजिए। भगवान श्री राम से प्रार्थना करिए और भगवान श्री राम से वरदान मांगिए, भगवान श्री राम से आशीर्वाद मांगिए कि भगवान हम सभी स्वस्थ रहें, हम जो भी कार्य अपने जीवन में करें वह कार्य सफल हो, कभी भी हमें कोई बीमारी न छुपाए, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, आपका आशीर्वाद हमें मिले, ऐसा हम भगवान से बोलकर आज इस रामचरितमानस की दिव्य चौपाई को बोलेंगे। रामचरितमानस की चौपाइयाँ बहुत ही दिव्य हैं, मंत्र रूपी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलयुग रूपी नैया को पार करने के लिए श्री रामचरितमानस रूपी एक ऐसा दिव्य ग्रंथ भी हमें दिया है, जिसका पाठ करने से, जिनकी चौपाइयों का पाठ करने से हमें मुक्ति मिल सकती है, भगवान श्री राम की शरण मिल सकती है। तो चलिए हम श्री रामचरितमानस की दिव्य चौपाई का पाठ करेंगे, उस मंत्र को बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री रामचरितमानस किसी तरह के वीडियोस के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे रामचरितमानस की नई नई चौपाइयों का ज्ञान आपके अलावा और लोगों को मिले और सनातन धर्म का प्रचार हो। तो चलिए सुनते हैं, जानते हैं रामचरितमानस की चौपाई भगवान श्री राम की वंदना के लिए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन क्रसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रम हारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो, हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले आपकी जय हो, हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम।